अस्सलाम वालेकुम, दानिश शाह के साथ हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लांडी एरिया 4A में, और ये जो है ये मेन रोड है बराबर में ही, और सामने जो है लांडी थाना मौजूद है। और यहाँ की आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक कचरा कुंडी यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में, और बराबर में ही जो है साथ में वो नाला चल रहा है। भाई भाग, बिल्कुल बहुत परेशानी है, सालों से ये गंदगी फैल रही है और ना कोई उठाता है ना कुछ करता है, परेशानी का सामना है बहुत ज़्यादा। नाला देखो, नाला किस तरह बह रहा है, समझे ना। और इलाका देखो, लोगों को आने जाने की परेशानी है, कोई प्रोग्राम के तहत गाड़ी वाड़ी लाने लोने में परेशानी होती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझे ना। लिहाजा इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। कपड़े उठाते हैं, कपड़ा सिर्फ कपड़े उठाते हैं और ले जाके वो आप अपनी रोजी रोटी के लिए बेचते हैं। आप जो है हमें देख के भाग क्यों रहे थे? क्यों भाग रहे थे? नहीं, आप अभी भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने रोका। हमने बोला ये खबरों में आएगा तो क्या, जो घर वाले चोपर में डाल के फेंकते हैं कचरा, बंद चोपर में, ये कचरा उठाने वाले पठान आते हैं, वो चोपर पूरा खोल देते हैं, वो पूरा चोपर खोल के उसमें वो फैला देते हैं पूरा, वो अपने काम की चीज़ उसमें से निकाल लेते हैं, बाकी फैलावे की एक कचरा फैलावे की एक बड़ी जड़ ये लोग भी हैं। जो लोग घर वाले तो चोपर में थैले में डाल के कचरा फेंक के जाते हैं, लेकिन ये उसमें से जब थैला खोल देते हैं अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं, तो इन पे भी थोड़ी सी सख्त नज़र रखी जाए कि ये फैलावे की वजह ये भी है कचरे के।